हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर विनोद कामले। आपको पता ही है कि हम लोग ये चैप्टर के अंदर अलग अलग टाइप के ट्रेड देख रहे हैं, जिसके अंदर हम लोग ने इंटरनल ट्रेड कम्प्लीटली देख लिया है। अभी हम लोग इस वीडियो से एक्सटर्नल ट्रेड के बारे में देखने वाले, जिसके अंदर इम्पोर्ट क्या होता है, एक्सपोर्ट क्या होता है, इंटरपोर्ट क्या होता है। सो इस वीडियो के अंदर हम लोग एक्सपोर्ट ट्रेड क्या होता है और एक्सपोर्ट ट्रेड के अंदर क्या क्या प्रोसीजर इन्वॉल्व होता है, उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। सो लेट अस स्टार्ट। नाउ सबसे पहले एक्सपोर्ट ट्रेड क्या होता है, वो हम लोग ने ऑलरेडी देखा हुआ है कि जब एक कंट्री दूसरे कंट्री को गुड्स सेल करती है, उसको हम लोग एक्सपोर्ट ट्रेड बोलते हैं। जैसे कि सपोज इंडिया ने फार्मास्यूटिकल्स, मतलब दवाई जो है, यूएसए को बेचे, तो उसको इंडिया का क्या बोला जाएगा, एक्सपोर्ट ट्रेड बोला जाएगा। सो एक कंट्री दूसरे कंट्री को गुड्स सेल कर रही है, दैट इज कॉल्ड एज एक्सपोर्ट ट्रेड। नाउ एक्सपोर्ट ट्रेड में बहुत बड़ा प्रोसीजर इन्वॉल्व होता है। मतलब अगर सपोज इंडिया को कोई भी गुड्स अगर यूएस में या किसी और कंट्री को अगर बेचने हैं, तो वो इंडियन एक्सपोर्टर को क्या क्या प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है, किन किन स्टेजेस से जाना पड़ता है, उसके बारे में हम लोग को ये क्वेश्चन पढ़ना है। ओके, नाउ बेसिकली चार स्टेजेस होते हैं, प्रीलिमिनरी स्टेज, प्री शिपमेंट स्टेज, शिपमेंट स्टेज और पोस्ट शिपमेंट स्टेज। तो ये हर एक स्टेज के बारे में हम लोग देखने वाले हैं और किस तरीके से गुड्स एक कंट्री से दूसरे कंट्री में एक्सपोर्ट होते हैं, वो हम लोग को यहाँ पे फिर समझ में आएगा। सो लेट अस स्टार्ट पहला प्रीलिमिनरी स्टेज से। नाउ प्रीलिमिनरी स्टेज के अंदर सबसे पहला हम एक्सपोर्टर को करना पड़ता है रजिस्ट्रेशन। नाउ रजिस्ट्रेशन कहाँ पे करना पड़ता है, तो सबसे पहले एक्सपोर्टर को रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है डीजीएफटी, जिसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट ट्रेड जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। इनके साथ रजिस्ट्रेशन करके एक्सपोर्टर को एक नंबर मिलता है, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सपोर्ट इम्पोर्ट कोड नंबर। और ये नंबर काफी इंपॉर्टेंट होता है, जो हर एक एक्सपोर्ट के डॉक्यूमेंट के ऊपर मेंशन करना पड़ता है, और हर एक एक्सपोर्टर और इंपोर्टर के पास ये नंबर होना चाहिए, और ये नंबर के लिए आप लोगों को अप्लाई करना पड़ता है डीजीएफटी को। फिर एक्सपोर्टर को इनकम टैक्स अथॉरिटी को अप्रोच करना पड़ता है परमानेंट अकाउंट नंबर, जिसको हम लोग पैन नंबर बोलते हैं, वो ऑब्टेन करने के लिए। फिर जीएसटी अथॉरिटी के पास जाना पड़ता है, जो हम लोग को जीएसटी नंबर प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद में ईपीसी, जिसको एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल बोला जाता है। ये काउंसिल जो होता है, वो एक्सपोर्टर को काफी ज्यादा हेल्प करता है, जैसे कि गुड्स कैसे प्रोड्यूस करने हैं, क्वालिटी कैसे मेंटेन करना है, गुड्स का पैकिंग कैसे करना है, कौन से कंट्री में हम लोग गुड्स बेच सकते हैं, मार्केट कंडीशन, जो भी एक्सपोर्टर को हेल्प लगती है, वो सारी हेल्प जो होती है ईपीसी के द्वारा की जाती है। तो उनका मेंबरशिप लेना भी एक्सपोर्टर को जरूरी होता है। तो सबसे पहले एक्सपोर्टर को ये सारे अथॉरिटी के साथ रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। फिर बाद में एजेंट को अपॉइंट करना पड़ता है, क्योंकि क्या है कि हम लोग जब इंटरनल ट्रेड करते हैं तो वहां पे कस्टमर्स हम लोग को इजीली मिल सकते हैं, पर एक्सटर्नल ट्रेड के अंदर क्या होता है कि आप लोगों को एजेंट्स को अपॉइंट करना पड़ता है। आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो कि अलग अलग जगह पे एजेंट्स को अपॉइंट किए हैं। ये एजेंट्स क्या करेंगे, उस एरिया के जो ऑर्डर्स है, वो ऑर्डर कलेक्ट करके एक्सपोर्टर को देंगे और उसके बदले उनको कमीशन मिलेगा। तो एक्सपोर्टर को ऑर्डर चाहिए, और ये ऑर्डर एक्सपोर्टर को कौन दे सकता है, ये जो एजेंट्स उन्होंने अपॉइंट करके रखा है वो। या दूसरी चीज क्या कर सकते हैं एक्सपोर्टर की, अपना एक सेल्स ऑफिस हर एक जो कॉन्टिनेंट है या हर एक जो कंट्री है वहां पे ओपन कर सकता है, जहां पे वो गुड्स को बेचना चाहते हैं, और उस सेल्स ऑफिस के थ्रू भी एक्सपोर्टर को ऑर्डर्स मिल सकती है। सो ऑर्डर के लिए एक्सपोर्टर को एजेंट को या कोई सेल्स रिप्रेजेंटेटिव को अपॉइंट करना पड़ता है या सेल्स ऑफिस खोलना पड़ता है, ताकि उनको मैक्सिमम ऑर्डर्स मिले। ओके, तो ये हमारा प्रीलिमिनरी स्टेज हो जाता है। दूसरा आता है प्री शिपमेंट स्टेज। नाउ प्री शिपमेंट स्टेज का मतलब क्या होता है, जहां पे गुड्स को बनाया जाता है, ओके, और गुड्स को शिप में रखने के पहले जो जो चीजें होती है उसको प्री शिपमेंट स्टेज बोला जाता है। नाउ प्री शिपमेंट स्टेज में सबसे पहले होता है एक्सपोर्टर को ऑर्डर रिसीव करना होता है और ऑर्डर को कंफर्मेशन करना होता है। मतलब जैसे हम लोग ने एजेंट को अपॉइंट किया था या सेल्स ऑफिस वगैरह खोला था अलग अलग जगह पे, तो उसके थ्रू एक्सपोर्टर को ऑर्डर्स मिलते हैं। ओके, ये ऑर्डर या तो हम लोग को ऑनलाइन मिल सकते हैं या एजेंट जो हम लोग ने अपॉइंट किए उनके थ्रू मिल सकता है। ऑर्डर मिलने के बाद में एक्सपोर्टर को वो ऑर्डर को कंफर्म करवाना पड़ता है। कंफर्म मतलब कि ऐसे आप लोगों को एक फिजिकल कॉपी मंगवानी पड़ती है या प्रॉपर ईमेल के थ्रू आप लोगों को परचेस ऑर्डर मंगवानी पड़ती है, बिकॉज कन्फर्म एक्सपोर्ट ऑर्डर होगी तो ही एक्सपोर्टर क्या करेगा, गुड्स को बनाने को शुरू करेगा। ओके, सो एक गारंटी मिल जाती है जब आप उनका कन्फर्मेशन लेते हो। उसके बाद में एलसी भी लेनी पड़ती है इंपोर्टर के पास से एक्सपोर्टर को। नाउ एलसी क्या होता है कि एलसी एक तरीके का पेमेंट का तरीका होता है, एक मेथड ऑफ पेमेंट होता है जो इंटरनेशनल ट्रेड में यूज किया जाता है। इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर कैश ट्रांजैक्शन या चेक ट्रांजैक्शन वगैरह होते नहीं है। ओके, तो वहां पे एलसी जो होता है वो सबसे ज्यादा सेफ माना जाता है, जिसको लेटर ऑफ क्रेडिट बोला जाता है। ये लेटर ऑफ क्रेडिट जो होता है वो इंपोर्टर की बैंक जो होती है वो इश्यू करती है,
जिसके अंदर लिखा रहता है कि जब एक्सपोर्टर गुड्स इंपोर्टर को भेजेगा तब जाके इंपोर्टर की बैंक क्या करेगी, एक्सपोर्टर को पेमेंट करेंगे। तो ये लेटर ऑफ क्रेडिट लेना बहुत जरूरी होता है। दूसरा, ये लेटर ऑफ क्रेडिट का ये फायदा होता है कि लेटर ऑफ क्रेडिट की वजह से एक्सपोर्टर का अगर लोन चाहिए रहेगा तो लोन भी मिलता है। ओके, सो एलसी के लिए एक्सपोर्टर रिक्वेस्ट करता है इंपोर्टर को कि हम मुझे ऑर्डर के साथ साथ अब एलसी भी दे दो करके। ओके, सो एक्सपोर्टर को दो चीजें मिली, एक तो ऑर्डर मिला, दूसरा एलसी भी मिला। अभी तीसरी चीज, एक्सपोर्टर यहाँ पे क्या करेगा, लोन लेगा। जैसे मैंने आप लोगों को बोला, अभी ये जो है गुड्स बनाने के लिए जो लोन लिया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं प्री शिपमेंट फाइनेंस, या गुड्स को शिप में रखने से पहले जो जो चीजों के लिए हम लोग को पैसे की जरूरत पड़ती है उसके लिए जो लोन लिया जाता है उसको प्री शिपमेंट फाइनेंस बोला जाता है। ओके, सो एक्सपोर्टर क्या करता है, वो एलसी को बैंक के अंदर एज अ मॉर्गेज रखता है या गिरवी रखता है और उसके अगेंस्ट लोन लिया जाता है। और ये लोन जो होता है वो वर्किंग कैपिटल के रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए यूज किया जाता है। वर्किंग कैपिटल मतलब जैसे कोई मशीन खरीदना है या फिर कोई रॉ मटेरियल परचेस करना है, यूटिलिटी बिल्स मतलब जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, टेलीफोन बिल वगैरह हो गया, वो पे करने के लिए, रेंट पे करने के लिए, वर्कर्स की सैलरी वगैरह देने के लिए, वो सब के लिए ये फाइनेंस यूज किया जाता है। सो एक्सपोर्टर यहाँ पे क्या करेगा, लोन लेगा, फाइनेंस लेगा, जिसको प्री शिपमेंट फाइनेंस बोला जाता है। उसके बाद में एक्सपोर्टर क्या करता है, गुड्स को प्रोड्यूस करता है या प्रोक्योर करता है। ना, प्रोड्यूस करने मतलब कि हम लोग खुद गुड्स को बना रहे हैं। ओके, और कुछ लोग जो होते हैं वो प्रोक्योर करते हैं। प्रोक्योर करना मतलब कि रेडीमेड गुड्स कहीं से लेना और कस्टमर को बेचना। जैसे सपोज एग्जांपल हम लोग लेते हैं अमेजोन, अमेजोन वाले क्या करते हैं, खुद गुड्स को नहीं बनाते हैं, वो किसी के पास से गुड्स रेडीमेड लेते हैं और कस्टमर को बेचते हैं, इसको प्रोक्योरमेंट बोलते हैं। सो दो चीजें कर सकता है एक्सपोर्टर। एक्सपोर्टर या तो खुद गुड्स बना सकता है उसका अगर फैक्ट्री वगैरह होगा तो, ओके, या फिर एक्सपोर्टर क्या कर सकता है, कहीं और से गुड्स को प्रोक्योर कर सकता है ताकि वो गुड्स को वो इंपोर्टर को भेज पाए। ओके, तो यहाँ पे आपने लोन लिया, लोन लेने के बाद में आपको गुड्स को प्रोक्योर करना पड़ेगा, प्रोड्यूस करना पड़ेगा। नाउ गुड्स प्रोड्यूस करने के बाद में गुड्स को प्रॉपर पैकिंग और मार्किंग करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि गुड्स को आप लोगों को इंटरनेशनल मार्केट मतलब अब्रॉड में लेके जाना है, तो प्रॉपरली वो गुड्स को पैक करना बहुत जरूरी होता है। या इंपोर्टर आपको बताता है कि मुझे ऐसे ऐसे पैकेट चाहिए, जैसे 1 किलो का पैकेट या 5 किलो का पैकेट, या इस तरीके से मुझे गुड्स पैक करके चाहिए। तो जैसे इंपोर्टर ने बोला है, बायर ने बोला है, उसके हिसाब से गुड्स को पैक करना पड़ेगा। जैसा ट्रांसपोर्ट से आप गुड्स लेके जा रहे हो, जैसे अगर सपोज आप एरोप्लेन से गुड्स लेके जा रहे हो तो उसके लिए अलग तरीके से पैकिंग करना पड़ेगा। आप अगर मरीन ट्रांसपोर्ट से मतलब समंदर से गुड्स लेके जा रहे हो तो उसके हिसाब से अलग से पैकिंग करना पड़ेगा, और किस तरीके की गुड्स है वो भी देखना पड़ेगा। खाने पीने की चीजें है तो उसको अलग तरीके से पैक, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स होंगे, फ्रेजाइल गुड्स होंगे तो अलग तरीके से उसको पैक करना पड़ता है। आप लोगों ने देखा होगा कि जो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स वगैरह होता है, फ्रिज वगैरह, उसके अंदर थर्मोकोल वगैरह रखे जाते हैं, ऐसे बॉक्सेस वगैरह होते हैं ताकि उसके अंदर कोई भी स्क्रैच वगैरह नहीं आए। ओके, या टीवी वगैरह होता है, कांच की चीजें होती है, तो उसके लिए वो बबल बैग यूज किया जाता है ताकि ये गुड्स जो है वो कहीं पे भी टूटे फूटे नहीं। उसके लिए तो अलग अलग नेचर के गुड्स के लिए अलग अलग पैकिंग मटेरियल यूज करना पड़ता है। तो आपके गुड्स रेडी हो गए तो आपको गुड्स को पैकिंग करना है और गुड्स के ऊपर प्रॉपरली मार्किंग भी करना है। क्या क्या मार्किंग करना है, जैसे आप लोग यहाँ पे देख रहे हो बॉक्स के ऊपर प्रॉपर मार्किंग किया हुआ है कि कौन से कंट्री के गुड्स है, वो लिखना पड़ेगा, जैसे मेड इन इंडिया है या फिर दूसरा जो भी होगा वो। पोर्ट ऑफ शिपमेंट, कहाँ से गुड्स जो है वो शिप के अंदर रखा जाएगा और कहाँ पे गुड्स को डिलीवर किया जाएगा, डेस्टिनेशन कहाँ तक पहुंचाया जाएगा, वो वहां पे मेंशन करना जरूरी होता है। हैंडलिंग इंस्ट्रक्शन, और हैंडलिंग इंस्ट्रक्शन मतलब गुड्स को कैसे हैंडल करना है, जैसे कि यहाँ पे ऐसे कुछ ये दिए रहते, मार्किंग दिए रहते, इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर कांच की चीजें है। ओके, यहाँ पे ऐसे एरोज दिखाए जाते हैं, एरोज दिखाने का मतलब क्या है, ये गुड्स को यहाँ से ओपन कर सकते हैं करके। सो वो हैंडलिंग इंस्ट्रक्शन इसके लिए होते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन वाले को पता चले कि भाई गुड्स जो है वो कैसे हैंडल करने, किस टाइप के गुड्स जो है बॉक्स के अंदर है। ओके, देन उसके साथ साथ गुड्स का नेट और ग्रॉस वेट भी वहां पे मेंशन किया रहता है, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो। तो इस तरीके से ये सारी चीजें जो होती है वो पैकिंग के ऊपर मार्क करना पड़ता है ताकि ट्रांसपोर्टेशन वालों को आइडिया मिल जाए कि किस टाइप की गुड्स वो बॉक्स के अंदर है। तो गुड्स को बनाया, उसको पैकिंग किया, उसके बाद में आप लोगों को गुड्स का प्री इंस्पेक्शन करवा, प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन करवाना पड़ता है। इसका मतलब क्या होता है कि गुड्स का चेकिंग करवाना पड़ता है, जो चेकिंग होता है एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन अथॉरिटी EIA के थ्रू। ओके, वो लोग गुड्स को चेक करते, इंस्पेक्ट करते हैं और फिर बाद में एक सर्टिफिकेट इशू करते हैं कि आपके गुड्स जो है उसकी क्वालिटी अच्छी है करके। या कभी कभी ऐसे भी होता है कि गुड्स की क्वालिटी जो होती है अप टू द मार्क नहीं होती, इसके लिए रिजेक्शन नोट दिया जाता है। फिर रिजेक्शन नोट मिल गया, इसका मतलब आप लोग गुड्स को एक्सपोर्ट कर सकते हैं नहीं।
तो ये इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट जो है वो लेना बहुत जरूरी होता है, ओके, क्योंकि बहुत सारे कंट्रीज जो होते हैं वहां पे ये सर्टिफिकेट की डिमांड की जाती है। फिर बाद में क्या किया जाता है यहाँ पे, अगर सपोज यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया है कि कंपनी का अगर ISO 9000 सर्टिफिकेशन है, ISO का मतलब होता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, कुछ कंपनीज ISO सर्टिफिकेशन कराती है, मतलब वहां पे उनका जो पूरा प्रोडक्शन प्रोसेस वगैरह है उसका एनालिसिस वगैरह किया जाता है, ओके, और उनको ये सर्टिफिकेट इशू किया जाता है। ये सर्टिफिकेट जिस कंपनी को मिला उसका मतलब वो कंपनी के जो गुड्स है वो क्वालिटी गुड्स है, उसके अंदर कोई भी क्वालिटी के अंदर कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। तो अगर किसी भी एक्सपोर्टर के पास ISO 9000 का सर्टिफिकेट है या उसके इक्विवेलेंट कोई भी सर्टिफिकेट है तो उनको ये EIA को बुलाने की जरूरत नहीं और उनके पास से कोई भी सर्टिफिकेट लेने इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट लेने की जरूरत पड़ती नहीं है। तो ये जो इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट है ये ऑप्शनल है, ISO अगर आपके पास है तो वो लेने की जरूरत पड़ती नहीं है, पर एक्सपोर्ट के गुड जो है उसको इंस्पेक्शन करवाना पड़ेगा अगर आपके पास ISO सर्टिफिकेट नहीं है। तो आजकल बहुत सारे कंपनी के पास ये ISO सर्टिफिकेशन होता है बिकॉज ये जो है वो अश्योरेंस देता है कि गुड्स की क्वालिटी अच्छी है, और जिसके वजह से क्या होता है आपके गुड्स की डिमांड बढ़ती है। तो इसके लिए बहुत सारे कंपनीज आजकल ISO 9000 सर्टिफिकेशन के लिए जाते हैं। नेक्स्ट वाला है, आप लोगों को ECGC कवर लेना पड़ता है। ECGC का मतलब होता है एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, जो आपको क्रेडिट रिस्क के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करता है। नाउ क्रेडिट रिस्क का मतलब क्या होता है कि इन केस अगर इंपोर्टर ने पेमेंट नहीं किया तो एक्सपोर्टर के लिए वो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो उस केस में क्या होता है कि एक्सपोर्टर जो है वो ECGC कवर लेके अगर रखा है उसने, तो ECGC जो है ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, ओके, जो क्या करता है एक्सपोर्टर को 90% जो लॉस है वो भर के देता है। मतलब सपोज आपने 1,00,000 रुपए के गुड्स बेचे थे, इंपोर्टर पेमेंट ही नहीं कर रहा है, तो एक्सपोर्टर क्या करेगा ECGC के पास जाएगा और ECGC फिर क्या करेगा वो 1,00,000 रुपए में से 90,000 रुपीज जो है वो एक्सपोर्टर को दे देगा, तो उसकी क्रेडिट रिस्क क्या हो गई, कम हो गई। सो ये भी चांसेस यहाँ पे हो सकते हैं, तो उसको आपको प्रोटेक्शन के लिए ECGC कवर लेना पड़ता है। देन मरीन इंश्योरेंस लेना भी कंपलसरी होता है। मरीन इंश्योरेंस किसके लिए लिया जाता है कि अगर सपोज आप समंदर में से गुड्स लेके जा रहे हो, समंदर के अंदर कुछ भी हो सकता है, गुड्स डूब सकते हैं, भीग सकते हैं या कोई भी अटैक वगैरह हो सकता है जिसके वजह से आपके गुड्स का लॉस हो सकता है, सो उससे प्रोटेक्ट करने के लिए मरीन इंश्योरेंस लिया जाता है। नाउ यहाँ पे अलग अलग कोटेशंस होते हैं, जैसे FOB होता है फ्री ऑन बोर्ड, CIF मतलब कॉस्ट इंश्योरेंस फ्रेट, C&F मतलब कॉस्ट एंड फ्रेट। FOB का मतलब क्या होता है कि FOB कोटेशन के अंडर इंश्योरेंस जो होता है वो इंपोर्टर पे करता है, ओके, तो और CIF के अंदर क्या होता है कि जो इंश्योरेंस होता है वो एक्सपोर्टर पे करता है। तो ये अलग अलग टाइप के कोटेशन होता है। कोटेशन का मतलब प्राइस लिस्ट होता है। सो जब भी आप लोग एक्सपोर्टर इंपोर्टर के साथ बात करता है तभी वो लोग डिसाइड करते हैं कि इंश्योरेंस कौन पे करेगा, ओके, सो FOB अगर उन्होंने कोटेशन बनाया, FOB का मतलब क्या होगा कि इंपोर्टर इंश्योरेंस पे करेगा, CIF में कोटेशन बना मतलब क्या कि एक्सपोर्टर जो है वो इंश्योरेंस पे करेगा करके। तो CIF में अगर कोटेशन होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो उस केस में एक्सपोर्टर को ये इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी पड़ती है और उसका प्रीमियम भी पे करना पड़ता है, और ये कंपलसरी होता है इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर। उसके बाद में CNF एजेंट को आपको अपॉइंट करना पड़ता है। CNF एजेंट का मतलब होता है क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट, क्योंकि आपके गुड्स अभी रेडी हो चुके हैं, अभी आप लोगों को क्या करना है, कस्टम क्लियरेंस करना है। कस्टम क्लियरेंस मतलब क्या होता है कि वो आपको गुड्स को भेजने से पहले कस्टम अथॉरिटी आते हैं, वो लोग आपके गुड्स को चेक करते हैं प्रॉपर गुड्स है कि नहीं, फिर वो आपको परमिशन देते हैं गुड्स भेजने के लिए। तो वहाँ पे बहुत सारा पेपर वर्क करना पड़ता है, बहुत सारे अथॉरिटी के पास जाके उनके परमिशंस वगैरह लेने पड़ते हैं, तो वो सब जो काम होता है वो करने के लिए एक्सपोर्टर क्या करता है, ये एजेंट को अपॉइंट करता है। और ये एजेंट जो है वो एक्सपोर्टर को कस्टम एंड क्लियरेंस का काम और फॉरवर्डिंग ऑफ द गुड्स ये काम करके देता है उसको, तो उसके लिए एक्सपोर्टर का जो थोड़ा सा हेडेक है वो कम हो जाता है। उसके बदले में ऑब्वियसली उसको ये CNF एजेंट को कमीशन पे करना पड़ता है। तो यहाँ पे हम लोग का प्री शिपमेंट स्टेज खत्म हो गया, मतलब गुड्स बन गए और गुड्स को हम लोग डॉक तक लेके आए, अभी हम लोग को क्या करना है, शिपमेंट स्टेज आता है। शिपमेंट स्टेज मतलब जहाँ पे हम लोग को पूरा कस्टम क्लियरेंस का काम करना है, डॉक्यूमेंट क्लियरेंस वगैरह करना है ताकि गुड्स को हम लोग शिप में रख पाए। तो इसमें सबसे पहले है प्रोसेसिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट। नाउ प्रोसेसिंग ऑफ डॉक्यूमेंट का मतलब क्या होता है कि जो CHA एजेंट आपने अपॉइंट किया हुआ है वो क्या करता है, कस्टम अथॉरिटी के पास जाता है और सारे डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन कराता है। वेरिफिकेशन मतलब डॉक्यूमेंट का चेकिंग करना पड़ता है, बिकॉज वो जो ऑफिसर है वो आएगा और फिर बाद में आपके गुड्स को चेक करेगा, तो पहले वहां पे जाके आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करवाना पड़ता है, और डॉक्यूमेंट सबमिट करके और डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होता है, जहाँ पे वो जो कस्टम अप्रेजर होता है वो आपके गुड्स की वैल्यू जो होती है वो अप्रेज करता है कि गुड्स की वैल्यू कितनी है करके, ओके।
फिर बाद में आप लोगों का यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम हो गया कस्टम अप्रेजर के पास, आपको फिर पोर्ट्रस अथॉरिटी के पास जाना पड़ता है, मतलब सीएचए एजेंट जो होता है वो पोर्ट्रस अथॉरिटी के पास जाता है और उनके पास से कार्टिंग ऑर्डर लेता है ना। कार्टिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है, गुड्स को जो भी ट्रक में से आपने लाया है या जैसे भी आपने गुड्स में लाया है उसको ये डॉक के अंदर लाने का परमिशन। डॉक मतलब वो जो समंदर के वहां का एरिया होता है जहां पे आपके गुड्स को चेक किया जाता है और फिर वहां से आप लोग गुड्स में शिप कर रख के भेज सकते हो। तो गुड्स को डॉक के अंदर लाने के लिए आप लोगों को पोर्ट्रस अथॉरिटी के पास से कार्टिंग ऑर्डर लेना पड़ता है। तो दो चीजें मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताई, एक तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा और दूसरा कार्टिंग ऑर्डर लेना पड़ेगा गुड्स को उतारने के लिए। अभी इसका कंटिन्यूएशन यहाँ पे है कि आप जब वो कार्टिंग ऑर्डर वगैरह लेते हो उसके बाद में आप लोग गुड्स को क्या करते हो, डॉक के अंदर लेके आते हो और वहां पे प्रॉपरली ऐसे गुड्स को अरेंज करके रखा जाता है शेड के अंदर। ऐसे आपको शेड दिया जाता है या इट्स अ छोटा सा वेयरहाउस दिया जाता है जहां पे आप लोगों को गुड्स को क्या करना पड़ता है, प्रॉपर अरेंज करके रखना पड़ता है। नाउ ये अरेंज क्यों किया जाता है, तो अरेंज किया जाता है एग्जामिनेशन करने के लिए। मतलब ऐसा कस्टम एग्जामिनर आता है, वो आपके गुड्स को और आपके जो बिल्स वगैरह है या आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह है उसको चेक करता है और अगर वो सेटिस्फाई हो गया कि गुड्स और जो डॉक्यूमेंट है वो मैच हो रहे हैं तो वो आपको एक ऑर्डर इशू करता है जिसको बोलते हैं लेट द एक्सपोर्ट ऑर्डर। ओके, तो आपने क्या किया था, डॉक्यूमेंट सबमिट किया था, उसके बाद में आपको ये डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन हुआ, फिर आप पोर्ट्रस अथॉरिटी के पास गए, कार्टिंग ऑर्डर लिया, आपने गुड्स को उतार के अरेंज करके रखा, फिर कस्टम एग्जामिनर ने आके आपके गुड्स को चेक किया और उसने आपको लेट द एक्सपोर्ट ऑर्डर दिया। फिर ये लेट द एक्सपोर्ट ऑर्डर लेके जाके आप लोग क्या करते हैं, कस्टम प्रिवेंटिव ऑफिसर के पास जाते हैं और वो आपको दूसरा ऑर्डर देता है लेट द शिप ऑर्डर। नाउ लेट द एक्सपोर्ट ऑर्डर का मतलब क्या है कि आप गुड्स एक्सपोर्ट कर सकते हो, उसका परमिशन मिल गया आपको, और लेट द शिप का ऑर्डर का मतलब क्या है कि आप लोग गुड्स को शिप के अंदर रख सकते हो। ओके, तो गुड्स को चेक करने के बाद में आपको ये दो ऑर्डर्स मिलती है, ये दो ऑर्डर मिल गए मतलब आपके गुड्स अभी एक्सपोर्ट हो सकते हैं। तो आप लोगों को वो ऑर्डर मिल गया गुड्स को शिप के अंदर रखने के लिए, तो आप लोग क्या करोगे, अभी गुड्स को शिप के अंदर रख दोगे, लोड कर दोगे। ओके, गुड्स को शिप के अंदर रखने के बाद में शिप का जो कैप्टन होता है जिसको चीफ मेट बोला जाता है वो आप लोगों को मेट रिसिट इशू करता है। ओके, नाउ मेट रिसिट का मतलब क्या है, कितने पैकेट शिप के अंदर रखा, कौन सा पैकेट डैमेज वगैरह है क्या। ओके, उसकी सारी जो डिटेल्स होती है, कितने आपने गुड्स शिप के अंदर रखे उसके जो डिटेल्स होते हैं वो मेट रिसिट के अंदर लिखा रहता है। अगर सपोज कल उठ के गुड्स वगैरह कुछ हो गया, गुड्स को घूम गए या टूट फूट गए, तो फिर वो एक्सपोर्टर क्या कर सकता है, जो भी वो शिप का ये रहेगा कंपनी रहेगा उनको वो रिस्पॉन्सिबल उसके लिए ठहराएगा, वो उसको क्या करेंगे, उसका कॉम्पेंसेशन देंगे। तो जब भी गुड्स शिप के अंदर रखा जाता है तभी मेट रिसिट इशू की जाती है। ओके, और वो मेट रिसिट जो होती है वो पोर्ट्रस अथॉरिटी के पास भेजी जाती है, उसके बाद में सीएचए एजेंट को क्या करना पड़ता है, पोर्ट्रस अथॉरिटी के पास जाना पड़ता है, उनका जो भी पेमेंट है, अभी पोर्ट्रस अथॉरिटी का भी कुछ चार्जेस होते हैं वो आपको पे करने पड़ते हैं, और वहां से आपको मेट रिसिट मिलती है। देखो क्या क्या हुआ, आपने लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर लिया, लेट द शिप ऑर्डर लिया, फिर बाद में आपने क्या किया कि गुड्स को शिप के अंदर रखा और आपको मेट रिसिट मिला, ये मेट रिसिट जो है पोर्ट्रस अथॉरिटी के पास गया, फिर बाद में पोर्ट्रस अथॉरिटी को आपने पेमेंट किया और उनके पास से आपने मेट रिसिट कलेक्ट किया। ये मेट रिसिट आपको शिपिंग कंपनी के पास लेके जाना पड़ता है और शिपिंग कंपनी को आपको उनके पास से बिल ऑफ लेडिंग लेना पड़ता है। नाउ व्हाट इज बिल ऑफ लेडिंग, अगेन ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है एक्सपोर्ट के अंदर, जो एक कॉन्ट्रैक्ट होता है शिपिंग कंपनी और शिपर मतलब एक्सपोर्टर के बीच में। जैसे हम लोग कहीं पे ट्रैवल करते हैं तो हम लोग एक टिकट लेते हैं, तो ये भी क्या है, हमारे गुड्स जो है एक्सपोर्टर के जो गुड्स है वो एक्सपोर्टर के कंट्री से इंपोर्टर के कंट्री तक ये शिपिंग कंपनी लेके जा रही है, तो उसका एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। ओके, तो मेट रिसीट जो होती है शिपिंग कंपनी को सबमिट करना पड़ता है सीएचए को और बिल ऑफ लेडिंग लेना पड़ता है। यहाँ पे तुम्हारा जो सीएचए उसका रोल खत्म हो जाता है, उसने सारा काम आपको करके दिया, सारे डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग, आपके गुड्स का वेरिफिकेशन, आपके गुड्स को शिप के अंदर रखना, फिर बाद में मेट रिसीट का प्रोसीजर वगैरह, बिल ऑफ लेडिंग का प्रोसीजर, एवरीथिंग ही हैज डन नाउ। अभी नेक्स्ट आपका लास्ट स्टेज होता है पोस्ट शिपमेंट स्टेज। पोस्ट शिपमेंट का मतलब क्या होता है, गुड्स जब चले जाते हैं तभी, तो गुड्स चले जाने के बाद में सबसे पहले एक्सपोर्टर को क्या करना पड़ता है, शिपमेंट एडवाइस भेजना पड़ता है। ये शिपमेंट एडवाइस एक्सपोर्टर किसको भेजता है, इंपोर्टर को, जिसके अंदर ये लिखा रहता है कि यहाँ से गुड्स डिस्पैच हो चुके हैं। ओके, क्योंकि इंपोर्टर को भी वहां पे पता चलना चाहिए कि गुड्स यहाँ से निकले हुए है कि नहीं,
तो ताकि इम्पोर्टर वहां पे प्रॉपरली रेडी रहे गुड्स को रिसीव करने के लिए, उसको जो भी डॉक्यूमेंट का प्रोसीजर वगैरह वो सब वहां पे करना पड़ेगा, क्योंकि इम्पोर्टर को भी गुड्स की डिलीवरी ऐसे ही नहीं दी जाती है, उसको भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट बहुत सारे प्रोसीजर करने पड़ते हैं, तब जाके उसको गुड्स का जो है वो डिलीवरी मिलता है। तो यहाँ से गुड्स बेचने के बाद में एक्सपोर्टर जो होता है इम्पोर्टर को शिपमेंट एडवाइस भेजता है, जिसके अंदर उसको वो इन्फॉर्म करता है कि गुड्स यहाँ से डिस्पैच हो चुके हैं, उसके साथ साथ पैकिंग लिस्ट, कमर्शियल इनवॉइस, ये सब चीजें भी भेजी जाती है। फिर बाद में एक्सपोर्टर क्या करता है, जो भी डॉक्यूमेंट मैंने आप लोगों को बोला था कि वो कस्टम अथॉरिटी ने आपके डॉक्यूमेंट वगैरह चेक किए थे, उसके ऊपर सिग्नेचर वगैरह कर दिए, वो सारा जो डॉक्यूमेंट का बंच होता है वो आपको एक्सपोर्टर को अपने बैंक के अंदर सबमिट करना पड़ता है। क्यों सबमिट करना पड़ता है? बिकॉज एक्सपोर्टर जब वो डॉक्यूमेंट अपने बैंक को देगा तो एक्सपोर्टर की वो बैंक है वो डॉक्यूमेंट इम्पोर्टर के बैंक को भेजेगी, और इम्पोर्टर की बैंक जो है वो एक्सपोर्टर को पेमेंट करेगी। सो यहाँ पे डॉक्यूमेंट भेजना बहुत जरूरी है। ये डॉक्यूमेंट जब तक आप इम्पोर्टर को भेजोगे नहीं, तब तक इम्पोर्टर की बैंक जो एक्सपोर्टर को पेमेंट करेगी नहीं। ओके, ये चीज आप लोगों को यहाँ पे अच्छे से ध्यान रखना है। इम्पोर्टर के ये डॉक्यूमेंट की बहुत जरूरत होती है, क्योंकि वहां पे इम्पोर्टर के पास जब गुड्स वहां पे पहुंचेंगे तो गुड्स की डिलीवरी लेने के लिए इम्पोर्टर के पास कुछ प्रूफ होना जरूरी है। तो यहाँ से एक्सपोर्टर क्या करता है, ये डॉक्यूमेंट जो है वो अपने बैंक में सबमिट करता है, और एक्सपोर्टर की बैंक जो है ये डॉक्यूमेंट इम्पोर्टर के बैंक तक पहुंचाती है, और इम्पोर्टर को यहाँ एक्सपोर्टर को यहाँ पे क्या होता है, पेमेंट मिल जाता है, रियलाइजेशन ऑफ एक्सपोर्ट प्रोसीड। एक्सपोर्ट प्रोसीड का मतलब क्या होता है, मनी, वो मिल जाते हैं, रियलाइजेशन मतलब मिल जाना। सो एक्सपोर्टर ने डॉक्यूमेंट सबमिट किया और उसको उसका पेमेंट मिल गया। उसके बाद में एक्सपोर्टर को जो कुछ एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स होते हैं उसका प्रोसीजर भी करना पड़ता है अलग अलग अथॉरिटीज के पास जाके। नाउ एक्सपोर्टर को क्या क्या इंसेंटिव्स मिलता है, तो ड्यूटी ड्रॉबैक मिलता है जिसको DBK बोला जाता है। ड्यूटी ड्रॉबैक मतलब क्या होता है कि कुछ ऐसे रॉ मटेरियल होते हैं जो आप लोग एक्सपोर्ट पर्पस के लिए यूज करते हो, और गुड्स को एक्सपोर्ट करने के बाद में आप लोगों को अथॉरिटी के पास जाना पड़ता है, गवर्नमेंट के पास, वहां पे डॉक्यूमेंट दिखाना पड़ता है, फिर आपने जो भी टैक्स भरा था रॉ मटेरियल के ऊपर वो टैक्स आपको वापस मिल जाता है, दैट इज कॉल्ड एज ड्यूटी ड्रॉबैक। जैसे कि सपोज आपने फैन एक्सपोर्ट किए और वो फैन के लिए आपने वायर खरीदा था, और वो वायर के ऊपर आपने जो टैक्स भरा था वो टैक्स आप जब वो फैन को एक्सपोर्ट करोगे वो आपको वापस मिल जाएगा, दैट इज कॉल्ड एज ड्यूटी ड्रॉबैक। तो उसके लिए आप लोगों को यहाँ पे फॉलो अप करना पड़ेगा, गवर्नमेंट अथॉरिटी के पास जाना पड़ेगा और अप्लाई करना पड़ेगा उसके लिए। देन आप लोगों को GST जो होता है वो रिफंड मिल जाता है। उसके बाद में ऑक्ट्रॉय या फ्रेट जो आपने पे किया है, मतलब सपोज गुजरात में आपकी फैक्ट्री थी, गुजरात से आपने गुड्स मुंबई में लाया, बिकॉज मुंबई से आप लोग गुड्स को क्या करने वाले हो, एक्सपोर्ट करने वाले। सो गुजरात से मुंबई में गुड्स लाने के लिए जो भी आपने ऑक्ट्रॉय वगैरह पे किया था, ओके, या फिर आपने जो ये रेलवे का फ्रेट वगैरह जो पे किया था, वो भी आपको क्या होता है, रिफंड होता है। एक याद रखना, हमारा गवर्नमेंट जो है एक्सपोर्टर को बहुत सारे इंसेंटिव देता है, बिकॉज गवर्नमेंट चाहता है कि हमारे देश का एक्सपोर्ट बढ़े। तो ये अलग अलग इंसेंटिव जो होते हैं एक्सपोर्टर्स को मिलते हैं, उसके लिए एक्सपोर्टर को अलग अलग अथॉरिटीज के पास जाना पड़ता है। और लास्ट में आपको फॉलो अप करना है। फॉलो अप करना है मतलब क्या, आपको इम्पोर्टर को एक बार फोन करके पूछना है, या ईमेल के थ्रू या लेटर के थ्रू पूछना है, वेदर दे रिसीव्ड द गुड्स और नॉट, एंड वेदर दे आर हैप्पी विद द क्वालिटी ऑफ द गुड्स और नॉट, और उनको और कोई रिक्वायरमेंट है कि नहीं, ये सब चीजें आपको वहां पे पूछना पड़ता है। तो इतना सारा प्रोसीजर करना पड़ता है एक्सपोर्टर को यहाँ से गुड्स एक्सपोर्ट करने के लिए। ओके, सो ये सब था एक्सपोर्ट ट्रेड का प्रोसीजर। ये मेरे URL है जहाँ से इमेजेस लिए हुए हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय YouTube चैनल, एंड ऑल्सो रिकमेंड माय चैनल टू योर फ्रेंड्स। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।